अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स आज हम आप जैसा कि जानते हैं सीज़न चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लीलन स्टार्ट हो चुकी है। लीलन का स्टफ इस सीज़न के लिए बेहतरीन। तो आज हम लीलन की एक टॉप की कटिंग करेंगे। जिसका फ्रंट हम ओपन रखेंगे, व्यूअर्स ओपन की हम सिर्फ लुक देंगे, मैं आपको स्टाइल बता रही हूँ, वरना ये आप कोशिश किया करें कि ये लीलन में अपनी जितनी भी सिलाइयाँ कम से कम लगा सकें उतनी ही कम लगाएं, क्योंकि इसके बहुत ये थ्रेड्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिलाइयाँ जो है ना ये निकल जाती हैं, चाहे जितना भी इसको ओवरलॉक कराया जाए या इसकी ख़ास तौर पे इसमें पाइपिंग वगैरह का आप इस्तेमाल बहुत कम किया करें कि इसकी पाइपिंग जो है अक्सर निकल जाती है। तो मैं भी व्यूअर्स इसको सिर्फ इसकी ओपन की मुझे इसकी स्टाइल देना है ओपन का, किसी लेस के साथ या बटन्स के साथ। चनाचा हम इसको बनाएंगे सिंपल फ्रॉक स्टाइल में, शॉर्ट फ्रॉक कह लें आप, टॉप कह लें। सबसे पहले हम अपर टॉप की कटिंग करेंगे। सेवन व्यूअर्स इस कपड़े में फॉल बहुत होती है, चुनाचा हम 7.5 की बजाय सिर्फ इसका 7 लेंगे कि सिलाई करते करते उसकी जो फिटिंग है वो सही तरीके से आ जाती है, इसमें लचक होती है। हमेशा की तरह मेरा आर्म होल एट इंच का, यह बस साइज पूरा ही हम रखेंगे, लेकिन रेडी हमारा तकरीबन 9 इंच। या आप हमेशा आर्म होल व्यूअर्स हाफ से शुरू किया करें। इसकी जब हमने आर्म होल की का राउंड करना है तो हाफ से हमें स्टार्ट करना है, और इस तरीके से आपने इसको राउंड की शेप देनी है, सिंपल इस तरीके से। और ये हमें सिर्फ 11 इंच की हमें इसकी अपर पार्ट्स हमें 11 इंच का चाहिए। सबसे पहले शोल्डर की
इसको हम यहाँ से अलग अलग कर लें। अब तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि नेक हमने यहाँ से इतना ब्रॉड अगर नहीं बनाना आपने तो ये 3 इंच पे आपने मार्क करना है, और बैक वाला गला भी आपने लेंथ उसकी 3 इंच की। बैक का पीस निकाल दें आप। अब हम फ्रंट के नेक की भी कटिंग कर लेंगे और शोल्डर्स की भी। ये मैं सिर्फ अंदाजा लगा के बना रही हूँ, ये आपकी अपनी उस पर रिक्वायरमेंट पे होता है कि आपने गला किस कदर डीप रखना है। क्योंकि ये टॉप है ऊपर से भी ज़रा लूज ही रखूँगी तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ से फ्रंट की इतनी ज़्यादा कटिंग की जाए, इसकी बस हमने हल्की सी शेप लेनी है। ये जो फिटिंग वाली शर्ट्स होती हैं उनके लिए, उनकी यहाँ से परफेक्ट किस्म की फिटिंग के लिए हमें ये सारी यहाँ से हमें डीप करना होता है फ्रंट का। अब जैसे कि ये हमारा अपर पार्ट की कटिंग हो गई, ये आपने सारे यहाँ पे फ्रॉक स्टाइल में आपने चुनर्स देनी है। ये आपने यहाँ पे चुनर देके सिंपल सी हमारी स्टाइलिश लेकिन सिंपल लेकिन स्टाइलिश टॉप तैयार होगी। इसके हम स्लीव भी इसी तरीके से बनाएंगे, वो भी हम कटिंग करते हैं। ये हमें शॉर्ट रखनी है, आप चाहें तो इसको मैंने वक्त की बचत के लिए पहले से पीस उतार के रख लिए थे। लेंथ हमें इसकी सिर्फ 32 चाहिए, ठीक है। और ये हमारी फ्रॉक की कटिंग हमारी टॉप की रेडी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं।
ये मैंने स्लीव्स का पीस उतार लिया था, तकरीबन 12 इंच, और चाहिए हमें तकरीबन 20 इंच, और इतना हम आगे चुन्नट की स्टाइल में फ्रिल लगाएंगे या अम्ब्रेला बनाएं, ये आप बताएं। ये देखिए हमारे पास कपड़ा जो है पीछे वो ये है, इसमें हमारी अम्ब्रेला भी बन सकती है। चलें पहले हम इसकी कटिंग कर लें। व्यूज यहाँ से भी आपको शोल्डर्स के लिए भी बनाते हुए ये आर्म होल की यहाँ से आपको 3 इंच पे मार्क करके, मैंने पहले भी आपको एक दफ़ा बताया था, 3 इंच का आपने मार्क करके, और यहाँ से आपने देखना है 9 इंच है तो यहाँ पे भी आपने हाफ पे निशान लगा लेना है, और इसको आपने फिर इस तरीके से लेकर आना है, हल्की सी शेप में राउंड देना है, और यहाँ से आपने ऐसे ले जाना है। मतलब ये बहुत आसान सा तरीका है बिगनर्स को बताने के लिए कि आप बाजू की कटिंग शोल्डर्स की किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से भी हमें लूज ही रखने हैं, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब देखें इस पे, इसमें अम्ब्रेला स्लीव्स बन जाएंगे। मेरा ख्याल तो इस पे सूट करेंगे वही फ्रिल वाले। अगर हमें अम्ब्रेला बनानी हो तो इस तरीके से ट्रायंगल बना के यहाँ से आपने इसके हिसाब से पूरा रखकर ये आपने ये स्टाइल दे देना है। आप स्लीव इस तरीके से भी बना सकते हैं बिल्कुल सेम इसी शेप में, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। आप इसको अगर अम्ब्रेला बनाना चाहें तो आप इसको ये शेप दे दें, यहाँ से आप इसकी कटिंग कर दें, और अगर फ्रिल बनानी है तो फ्रिल के लिए तो ये इसकी लेंथ पूरी है। जैसे फ्रॉक की हमने गैदरिंग होगी नीचे, साथ में अगर इसी की भी होगी तो सेम स्टाइल स्लीव्स में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये यहाँ पे हमारी गैदरिंग हो जाएगी। ये हमारा स्लीव स्टाइल, और यहाँ पे हमने जो भी ओपन में हमने लैस लगानी है या जो भी स्टाइल देना है हमें, वो यहाँ पे भी हमारी एक लैस का स्टाइल लग जाएगा, यहाँ पे भी लैस आ जाएगी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये सिंपल सी कटिंग बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत आसान सी है, बहुत खूब मतलब स्टाइलिश भी बन जाएगी और इजी भी बहुत है। ये सिंपल सी जिसे फ्रॉक कहा जाता है बेबीज फ्रॉक के लिए, तो आप तो इसको कटिंग करें, सिंपल सी है। इसको रिपीट में आप दोबारा देखें, इस वीडियो को 2 दफ़ा भी देखेंगे तो आपकी कटिंग बड़ी इजी तरीके से हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।